हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये सब कुछ जो है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, तो थैंक यू सो मच। तो गाइज, जब मैंने आप लोगों के साथ गिव अवे वाला वीडियो शेयर किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है स्टिचिंग की क्लासेस वगैरह जो है शुरू करने वाली हूँ। तब मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग किस तरह से सीखना चाहते हैं, विथ ड्राफ्टिंग या विदाउट जो है ड्राफ्टिंग। तो आप लोगों के काफ़ी सारे जो है मेरे पास कमेंट आए हैं और कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस किए हैं कि उन लोगों को जो है विथ ड्राफ्टिंग सीखना है, शुरुआत से बिल्कुल सीखना है जिस तरह से मैंने सीखा था। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी और अच्छे से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूंगी, जितना अच्छे से मैं कर सकती हूँ, जितने अच्छे से मैं सिखा सकती हूँ और जितना इजीली मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ उतने अच्छे से मैं आप लोगों को जो है सिखाऊंगी। तो उसकी शुरुआत जो है मैं आज से कर रही हूँ। और जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए हैं उन लोगों से मैंने पूछा कि मुझे किस तरह से, मतलब सबसे पहले आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का यही रिप्लाई था कि उन लोगों को सिंपल कुर्ती सीखनी है और आनी भी चाहिए सभी लोगों को कुर्ती, और सभी लोग कुर्ती सीखना भी चाहते हैं। तो मैंने जो है कुर्ती से ही शुरुआत की है। तो जी कुर्ती में हमारा सबसे पहले जो है नेक आता है। नेक अगर हमें गला बनाना आता रहेगा तो नेक जो है कुर्ती बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो जो सबसे पहले मैंने जो क्लास रखी है वो मैंने नेक की ही रखी है। आज हम नेक की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और विथ थ्योरी और ड्राफ्टिंग सब कुछ मैं आप लोगों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ना मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है। क्यों? उसमें क्या होगा, आप लोग मुझसे मैसेजेस में, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जैसा भी आप लोग चाहें वैसा आप मुझसे वहां पर जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मुझे वहां पर जो है फॉलो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट में मैं सब लोगों को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ और ना ही मैं बता सकती हूँ। तो इसीलिए जो है आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है nehafashionholic.09 और उसका जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। और हाँ, एक बात मुझे और बतानी थी, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने गिव अवे, मतलब आपके 100 के हो गए हैं और आप लोग आपने जो है गिव अवे अनाउंस नहीं किया है। तो इंशाल्लाह मैं एक दो दिन में ही करने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मैंने जो विनर्स हैं वो चूज़ कर लिए हैं, अब मैं जल्दी ही जो है अनाउंसमेंट करूँगी। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब जल्दी से जो है हम अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज है हमारी क्लास वन है, ठीक है जी। और हम सीखेंगे नेक यानी कि गला, गले की कटिंग व ड्राफ्टिंग दोनों ही मैं जो है आपको करके बताऊंगी। गले की कटिंग व ड्राफ्टिंग। और अभी पता है थोड़ा ना राइटिंग का इश्यू होगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, मतलब आदत नहीं है लिखने की, अब छूट चुकी है। तो इसीलिए गले की कटिंग व ड्राफ्टिंग मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जो है बनाने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले अपना मेजरमेंट देख लेंगे। मेजरमेंट यानी कि नाप, ठीक है जी। तो जो हमारे नेक का मेजरमेंट है, और सबसे पहले मैं आपको जो है राउंड नेक सिखाऊंगी बनाना। तो जो गले का हमारा मेजरमेंट है वो है हमारी जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगी ताकि जिसको जरूरी नहीं है सबको इंग्लिश आए और जरूरी नहीं है सबको हिंदी आए, तो मैं दोनों में ही लिख दूंगी ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारी जो लंबाई है गले की वो हमने रखनी है 7 इंच। तो जब हम किसी और का बनाते हैं तो हम उसके नाप से बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक मेजरमेंट दे रही हूँ, मतलब सिखाने के लिए मैंने ये मेजरमेंट दिया है आप लोगों को। बाकी आप अपना नाप के खुद से अपना बना सकते हैं, जितने भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो जी हमारी लेंथ है वो है 7 इंच और जो हमारी चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई वो है हमारी 6 इंच। गले की चौड़ाई जो होगी वो हमारी 6 इंच होगी। तो हमारी जितनी भी गले की चौड़ाई होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से हम इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 2 3 6। तो यानी कि हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, 3 इंच लेनी है। क्यों लेते हैं 3 इंच, क्योंकि मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जब हम गले को कट करते हैं तो इस तरह से ऐसे कपड़ा फोल्ड करके कट करते हैं, तो वो हमारा डबल फोल्ड में होता है, तो इसलिए हम 3 इंच लेते हैं। जब उसको हम खोल देंगे ऐसे करके तो वो 6 इंच आ जाता है हमारा। तो जो हमने चौड़ाई लेनी होगी वो हमने लेनी होगी 3 इंच,
ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं आपको जो है राउंड नेक बनाना सिखाऊंगी, राउंड नेक यानी कि गोल गला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने आपके सामने ये एक ऐसे ऐसे बॉक्स सा बना दिया है। तो आपने इसको बॉक्स नहीं समझना है, आपने इसको जो है फैब्रिक समझना है, कपड़ा समझना है या बुकरम जिस पर आप नेक कटिंग करते हैं। और ये वाला जो हमारा साइड है, मैं जिस पर इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी, इसका मतलब है फोल्ड साइड। आप इस बात को ना याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे जितनी भी क्लासेस वगैरह जो भी लूंगी उसमें मैं अगर इस तरह का कोई भी निशान लगाऊंगी तो आपने उसको फोल्ड साइड ही समझना है। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ बुकरम के साथ। तो जी देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी बुकरम होती है, इस पर हम नेक कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बुकरम है, तो बुकरम को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं, इस तरह से। तो जी ये है हमारा फोल्ड वाला साइड और ये है हमारा ओपन साइड। तो हम हमेशा यहां पर अपने निशान लगाते हैं फोल्ड वाले साइड। तो उसी तरह से आपने इसको, जो ये मैंने ऐसे बॉक्स बनाया है, इसको आपने बुकरम समझना है या कपड़ा समझना है, ठीक है जी। ये देखिए इसी शेप में होता है हमारा कपड़ा और उसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम जो है डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन हमने बनाना होता है नेक का, हम वो बनाते हैं। तो इसी तरह से जो है मैंने ये एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर लिया है आपको ड्राफ्टिंग समझाने के लिए। तो मैंने दोनों में आपको बता दिया है और ये वाला जब भी मैं निशान लगाऊंगी तो आपने सोच समझ लेना है कि ये हमारा फोल्ड साइड है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है जी। अब जो है हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे जो नेक की लंबाई होती है, लंबाई उसको हम यहाँ से लेंगे। तो हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है और यहाँ से हमने 7 इंच पर जो है निशान लगाना है। तो मैंने मान लिया कि हमारा यहाँ पर 7 इंच आया है, ठीक है जी। जो हमारी लेंथ है वो आई है 7 इंच। तो मैं यहाँ पर आपको इंची टेप से नाप कर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं किस तरह से आपको नाप के बता सकती हूँ, मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा बोर्ड पे मैं आपको नाप के बताऊँ। तो मैं आपको एक अंदाजे से इस तरह से ऐसे बताऊंगी और आपने समझना है। तो हमने यहाँ पर इंची टेप रखकर यहाँ तक हमने जैसे 7 इंच पर निशान लगा लिया, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब जो है हमने चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मान लीजिए हमारी जो चौड़ाई है 3 इंच, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से हमने यहाँ से भी हमने 3 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से भी हमने 7 इंच पर, और यहाँ पर हमने 7 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेना है। जितने भी साइज का आपने गला बनाना होता है, लंबाई चौड़ाई का, उतने ही साइज का हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि मेरी लंबाई है 7 और जो चौड़ाई है हमारी वो हमने 3 लेनी है यानी कि 6, तो मैंने उतने ही इंच का यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना दिया है। अब राउंड गला बनाने के लिए आपने क्या करना है, गोल गला बनाने के लिए यहाँ पर से आपने तिरछे इस तरह से ऐसे इंची टेप रखकर आपने मान लीजिए 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, 1 इंच पर, ठीक है जी। आपने इस तरह से 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और अब इस वाली लाइन से हम इस तरह से ऐसे जो है डॉट डॉट करके हम अपने नेक की शेप देते हैं। तो ये देखिए मैंने राउंड नेक बनाना है तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक की शेप दे दी है इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे राउंड नेक की शेप हो गई है। अब क्या करना है हमने, अब हमने मार्जिन लेना है। तो मार्जिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1/2 इंच का रखते हैं, तो 0.5 इंच यानी कि 1/2 इंच का जो है मैं मार्जिन लूँगी। और जो हम ये वाला निशान लगाते हैं इस तरह से, इस निशान के बाहर हमने मार्जिन लेना होता है, तो उतने ही 0.5 इंच पर ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते इसी शेप पर जो है हम ऐसे निशान लगाते जाते हैं, ठीक है जी। ये निशान लगा लिया मैंने और अब इन निशानों को हमने इस तरह से ऐसे जो है मिला देना है, ये देखिए इस तरह से। तो जी ये जो है हमारे गोल गले की ड्राफ्टिंग हो गई है। और अब क्या करूंगी मैं, आपको इसकी थ्योरी भी मैं आप लोगों को लिख कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो अब मैं जो है इसकी थ्योरी लिखना शुरू करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे बोला है कि हमें थ्योरी के साथ सिखाई है, तो इसलिए मैं वो भी कर देती हूँ। जिसको लिखना रहेगी वो लिख लेगा और जिसको नहीं लिखना रहेगी वो नहीं लिखेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा फोल्ड साइड है, अब जो है मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम हिंदी में विवरण कहते हैं, और जो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखूंगी वो मैं एक तरह से जैसे हम व्हाट्सएप पे टॉक करते हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलकर, उसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा।
तो जैसे जैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है, वैसे वैसे ही हमने सिंपली लिख देना होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे जब हम बनाते थे, सीखते थे, तो हम एक चाप लगाई हमने, फिर इस पर ए पर रखकर चाप लगाई, बी पर रखकर चाप लगाई, तो इस तरह से हम पूरा लिखते जाते थे ना, उसी तरह से हमने जैसे जैसे इसकी ड्राफ्टिंग की है तो वैसे वैसे ही हम इसको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे बस। ठीक है जी, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गला बनाने के लिए, गला या नेक कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब मैं इसका जो एक्सप्लेन करना है वो मैं शुरू करती हूँ, इसका विवरण लिखना। तो जी नेक बनाने के लिए हमें बुकरम को डबल फोल्ड करना है, फिर उसके बाद सेवन इंच लंबाई का निशान लगाना है, और फिर तीन इंच हमने चौड़ाई का निशान लगाना है। इसी तरह इस तरह से हमें सात इंच, ये जो हमारा निशान होता है ना, ये ऐसे ये इंच का निशान होता है, सात इंच लंबा और तीन इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद दाईं तरफ वाले नीचे की साइड के कॉर्नर से एक इंच पर तिरछा निशान लगाएंगे, फिर उस निशान के अकॉर्डिंग गले की शेप देंगे, फिर मार्जिन के लिए हाफ इंच आगे बढ़ा बढ़ाकर निशान लगाएंगे और इन निशान को मिला देंगे, फिर हम इसकी
कटिंग कर देंगे। तो जी हमारा जो ये इसका एक्सप्लेन जो करना था वो मैंने पूरा लिख दिया है। जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं, सबसे पहले हमने 7 इंच का एक जो है निशान लगाया, फिर हमने 3 इंच का लगाया, फिर हमने इसको ऐसे मिलाया। मतलब जैसे भी हम इसको जो है बनाते जाते हैं वैसे वैसे ही हम इसके निशान लगाते जाते हैं। तो जी हमारा जो राउंड नेक है वो बनकर तैयार, मतलब मैंने आपको उसकी ड्राफ्टिंग पूरी बता भी दी है और उसकी थ्योरी मैंने आपको लिखवा भी दी है। अब जो है मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो जी नेक कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बुकरम की ज़रूरत होगी, तो हमने एक बुकरम लेनी है और उसको इस तरह से हम ऐसे डबल फोल्ड कर बिछा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उसको अच्छे से बिछा देना है और अच्छे से अपने हैंड की हेल्प से ही हमने उस पर क्रीच बना देनी है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, ऊपर से आपकी बुकरम बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और अब हम जो है नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी लंबाई है वो है 7 इंच, तो देखिए 7 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। और जो चौड़ाई है हमारी वो है 3 इंच, तो 3 इंच पर नीचे की साइड भी और 3 इंच ऊपर की साइड भी मैं दोनों साइड ऐसे निशान लगाऊंगी। और अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमने मिला देना है और अब चौड़ाई पर भी हम इसी तरह से ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से हमने 7 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अब कॉर्नर से हमने जो है 1 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। और अब इस वाले निशान के अकॉर्डिंग जो है हम अपने नेक की गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से पहले डॉट डॉट कर आपने जो है शेप देनी है, उसके बाद आपने उसको मिलाना है। और अब हम उसको जो है डार्क कर देंगे। और अब हमने फिर इंची टेप लेना है और जो हमारा नेक का मार्जिन है वो मैं यहाँ पर जो है 1/2 इंच रख रही हूँ। तो देखिए 1/2 इंच मैं ऐसे आगे इंची टेप बढ़ा कर जिस शेप में मैंने निशान लगाया है उस शेप पर ही हमने इंची टेप रख कर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाते जाना है आगे बढ़ा कर इस तरह से। और अब इन निशानों को भी हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी जो हमारे नेक है उसके सारे निशान लग गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब सिंपली हमने इसको कटिंग कर देना है। जैसे जैसे हमने इस पर निशान लगाए हैं उसी शेप में हम इसको बिल्कुल कट कर देंगे। और कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप अच्छे से उसको पकड़ के रखें। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों से ऐसे कटिंग ना हो, तो पहले आप इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लें, उसके बाद आप इसको कट करें और उसके बाद आपने कच्ची सिलाई खोल देनी है। तो जी देखिए ये जो हमारा नेक है ये मैंने कट कर दिया है और ये खुलकर कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब जो इसकी स्टिचिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और हाँ, आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपको मेरी वीडियो में कमी लगी हो या फिर मैंने जल्दी जल्दी बोला हो, क्योंकि ये मेरी बहुत बुरी हैबिट है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट मैंने फिर भी आज बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत स्लो बोलूँ, तो आप मुझे वो बताएं। और आपको मेरी वीडियो में जो भी कमी लगी हो आप मुझे वो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि आगे मैं उस चीज़ को सुधारूं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। ऐसा वीडियो मैंने कभी भी आज से पहले शूट नहीं किया है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो आप लोगों ने वो मुझे ज़रूर बताना है। और कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, वो सब आपने अच्छे से मुझे बताना है ताकि आगे मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रख सकूं। और गाइज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।